नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ अब भारतीय किसान यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है। मौके की तलाश में घूम रहे राकेश टिकैत को इस मौके को सरकार के खिलाफ भुनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। हिमाचल पहुंचे राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। टिकैत ने 24 जून को सरकार की इस योजना के खिलाफ किसानों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष तो युवाओं को बरगलाकर इस मामले को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब केंद्र सरकार के खिलाफ मौके की फिराक में घूम रहे भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी इस मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया है। टिकैत ने कहा कि इस योजना के विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी 24 जून से शुरू होगी। केंद्र सरकार रोजाना अपना स्टैंड बदलती है, सुबह कुछ और शाम को कुछ कहती है। अग्निपथ पर भी सरकार का यही हाल है, इसलिए हम उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार को ये साफ कर देना चाहिए कि आखिर बेरोजगारों को किस तरह की नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही टिकैत ने सभी किसान नेताओं संगठनों से मिलकर इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले 20 जून को भी राकेश टिकैत ने हरियाणा के करनाल में कहा था कि 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा देश भर के जिला मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना का विरोध करेगा। वहीं 18 जून को किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान टिकैत ने सरकार पर युवाओं के साथ भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया था। टिकैत के पैदल मार्च में किसानों के साथ भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। मार्च के दौरान बीकेयू नेता ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी और अब मामले में 24 जून को आंदोलन की घोषणा की है। विपक्ष हो या फिर किसान नेता राकेश टिकैत, हर कोई अपनी राजनीति के लिए युवाओं के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन में टूट के बाद से ही राकेश टिकैत अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस योजना को ढाल बनाकर अब टिकैत अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि सरकार की ओर से कड़े शब्दों में साफ कर दिया गया है कि ये योजना किसी कीमत पर वापस नहीं होगी। ऐसे में राकेश टिकैत की दाल यहाँ भी गलती नहीं दिखाई दे रही है। किसान यूनियन में टूट के बाद से राकेश टिकैत अपनी जमीन लगभग खो चुके हैं। उसी जमीन को तलाशने के लिए टिकैत पहले कर्नाटक पहुंचे, वहां स्याही कांड हो गया तो हरिद्वार जाकर महापंचायत का आयोजन किया, यहां भी दाल नहीं गली तो अब हिमाचल पहुंच गए। काफी दिनों से टिकैत ऐसे मुद्दों की तलाश में है जिससे वो एक बार फिर सरकार को घेर सके, लेकिन राजनीतिक हो चले टिकैत उत्तर प्रदेश के किसानों का विश्वास खो चुके हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।